वहाँ क्या कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे, वो उनकी क्या औकात है, वहीं पे रहना चाहिए, लोगों को चलना चाहिए, जो स्थानीय इकाई है जाके वहाँ करे, क्या कर लेंगे, वो गुजरात में रहना चाहिए, आंदोलन गुजरात में बिल्किस के घर मानो घर में चलना चाहिए। अगर ऐसा आदेश होगा, ऐसा कॉल होगा, तो हम बिल्किस बानो जी घर चलेंगे और देखिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भी जानते हैं कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं घर छोड़ जाना चाहिए, बोलो जो करना कर दे, कर सकते हैं बताइए, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो वही बनाते, रिपोर्ट कौन बनाता है बताइए मुझे, रिपोर्ट कौन, सब इनकी है, लेकिन इसको अंदर होना ही चाहिए, मैं बस सब सिंपल सी बात है, और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए कि अंदर जाए बस। बूथों का मजबूत करने का, अगर आप हैदराबाद में टी राजा के पास जाएंगे और वहाँ वीडियो क्लिप निकाले तो वहाँ लोकल लोग नहीं है, स्थानीय लोग नहीं है, न समर्थन न विरोध, जो विरोध कर रहे हैं जो ये टी राजा का वो स्थानीय है, लेकिन समर्थन करने वाले नहीं है, इनका प्रायोजित होता है, RSS के लोग वहाँ से वहाँ से वहाँ से आते हैं, ऐसा देश बताने का प्रयास कर रहा है, इनके समर्थक सिर्फ 10% में से 10% ब्राह्मण मुस्लिम ब्राह्मण राजपूत और वैश्य हैं, उसमें से पूरे समर्थक नहीं है, 5-6% लोग देश को गुमराह किए हुए हैं कि ये सब सपोर्ट करें, ऐसा कुछ नहीं। सर एक सवाल है आपसे, बिल्किस बानो जो ने जिनके अपराधियों को छोड़ दिया गया और उनके डर से अपना घर छोड़े हुए हैं और दर दर भटक रही हैं, उनकी हिफाजत के लिए सरदार रब्बी शेरगिल है, उन्होंने कहा है कि गुजरात वहाँ पंजाब आइए, हम आपकी सुरक्षा, हम आपको सुरक्षा देंगे, क्यों कहना, क्यों पंजाब जी आए आए हम चले पंजाब क्यों, वहाँ क्या कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे, वो उनकी क्या औकात है, वहीं पे रहना चाहिए, लोगों को चलना चाहिए, जो स्थानीय इकाई है जाके वहाँ करे, क्या कर लेंगे, वो गुजरात में रहना चाहिए, आंदोलन गुजरात में बिल्किस के घर मानो घर में चलना चाहिए, मुझे पता है जब लोग मंच में बैठते हैं तो कैसे कैसे कोसते हैं, हमने मैं आज ट्रेनिंग को इतनी गालियाँ दी हैं लोगों ने, इतने किया है कि एक एक आदमी जो बच्चा कभी बोल नहीं सकता वो भी स्टेज पर के बोलता है, तो बिल्किस बानो के गाँव में होना चाहिए, वहाँ रखना चाहिए, जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा आदेश होगा, ऐसा कॉल होगा, तो हम बिल्किस बानो जी घर चलेंगे और देखिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भी जानते हैं कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं घर छोड़ जाना चाहिए, बोलो जो करना कर दे, कर सकते हैं बताइए, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, काफी मुस्लिम है वो भी पलायन कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, डट के रहना चाहिए। क्या बाकी और लोग जो जेल में है जैसे निकल गए, तो जो रेप सर्वाइवर अभी है उनको क्या डर नहीं लगेगा कि इस तरह के लोग फिर बाहर आ रहे हैं और भी लोग को छोड़ देंगे इस तरह अच्छे व्यवहार पर, तो देश कैसे चलेगा, आशाराम भी आस लगाए बैठे होंगे। मैंने एक सवाल शुरू में किया था, उससे ज्यादा दिन के 15 साल से ज्यादा दिन के कैदी पड़े हुए हैं और कम संगीन धाराओं के हैं, तो पहले किसको रिहा होना चाहिए, पहला मेरा सवाल सरकार से, इनको क्यों किया कहीं ना कहीं, हाँ तो वही सवाल है, तो ये छुपे भेड़िए हैं, ये अच्छा बनने का प्रयास कर रहे थे और अच्छा उसमें इनका एक फंडा था कि हम इतने में निकालेंगे और सारे तुम अच्छे बनो, रिपोर्ट वही बनाते, रिपोर्ट कौन बनाता है बताइए मुझे, रिपोर्ट कौन, सब इनकी है, लेकिन इसको अंदर होना ही चाहिए, मैं बस सब सिंपल सी बात है, और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए कि अंदर जाए बस। सर जो कमेटी बनी थी वो कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण थे और इनका अच्छा आचरण था इसलिए इनको छोड़ दे, बस ब्राह्मण और बाकी लोग क्या है, बाकी लोग आचरण नहीं है क्या इनमें भीमराव अंबेडकर में आचरण नहीं था, कबीर में आचरण नहीं था, रैदास में आचरण नहीं था, मुझे बताइए हैं, सूफी संतों में आचरण नहीं था, आचरण सिर्फ ब्राह्मण होता, सबसे पहले व्यक्ति जन्म लेता है उसके बाद उसको कुछ दिया जाता है, चाहे किसी धर्म का है संप्रदाय का है, अगर एक हिंदू का बच्चा अगर मुसलमान घर में बचपन में दे दिया जाए तो संस्कृत बोलेगा नहीं, वो कुरान की आयतें पढ़ेगा, ये तो व्यवस्था है। सबसे पहले मैं सरदार भगत सिंह का पोषक हूँ, सबसे पहले व्यक्ति पैदा होता है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई भी ब्राह्मण राजपूत नहीं, ये सब बांटने की साजिश हो रही है, ठीक है आप एक समुदाय में रहते हैं चलाइए जिस प्रकार सिस्टम जो इजाज़त देता है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये बांटने की राजनीति हो रही है, कोई ब्राह्मण नहीं, सब में चीज़ है, जो दिमाग दिया है, दो हाथ पांव दिया है, सब सोच सकता है, सब संस्कारी बन सकता है, सब संस्कारी। आपको क्या लगता है, क्या ब्राह्मण अगर है तो उसका आचरण अच्छा ही होगा? नहीं नहीं सबका, मैंने कह दिया ना सबका, ऐसे शुक्ला क्या था, आप ब्राह्मण सुनेंगे माफिया डाल सारे ब्राह्मण हैं बताइए मुझे, तो कैसे मान लेंगे, आपका प्रमाण देने का क्या औचित्य है कि ब्राह्मण ही होते हैं, ब्राह्मण में चोर दक्कत नहीं, हर जातियों विवेकानंद ने हर जातियों धर्मों में नीच लोग बदमाश लोग रहते हैं, किसी एक 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 जात को धर्म को सर्टिफिकेट देना कहाँ तक उचित है, आप कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं, क्या मानक आपका पसंद होता है बताइए मुझे, आजकल अधिकतर ब्राह्मण मीट मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, कैसे आप कह सकते हैं, तो बताइए कैसे रह गए, असम में है और ऐसे भी लोग हैं जो अन्य जातियों में मीट का नहीं करते हैं, तो ब्राह्मण वो है,
जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण के परिभाषा बता देना चाहता हूँ। ब्रह्म जो संस्कृत ब्रह्म धन आयन, जो आयन माने होता है शीशा दर्पण, जो ब्रह्म को जानता है, इस सृष्टि को जानता है, वो ब्राह्मण है। जात से ब्राह्मण नहीं है। अगर आप भी जानकार पंडित हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, तो आप भी ब्राह्मण ही हैं। ये परिभाषा है। लेकिन ब्राह्मण जातियों को विशेष कर दिया, ये है। न्याय कैसे मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, देखिए मिल रहा है, मिलेगा न्याय। और सर उनको छोड़ दिया गया जो दोषी थे। अरे छोड़ दिया गया ना, उसके बाद आवाज उठी है ना, सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली, पहली जीत। सुप्रीम देखिए आप कानून से लड़ेंगे ना, हिंसक नहीं है ना, बैल नहीं है ना कि मारेंगे माथा। आपको तरीके से लड़ना होगा, तरीके से। बात हमने किसान आंदोलन 13 महीने दिया, 13 महीने बैठे रहे ना, घबरा 2 दिन में गए। सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका हमने स्वीकार की, वो हमारी पहली जीत है। अब देखना आपको, मैं वो यही याद करिएगा कि यही वो फिर जेल में जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग का आस्था उठ जाएगा, ये हमारी जीत होगी। लड़िए, आप क्या चाहते हैं कि तलवारें निकाल लें उनकी तरह, रोड पर उतर जाएं? हम धर्म बाबा संविधान की रक्षा करते हुए हम अपनी बात कह रहे हैं, मुखर होकर कह रहे हैं, जा रही है उनके यहाँ पे लाइव बैठ रहे हैं। आपको पता है कि 1 मिनट की रिपोर्ट जा रही है, कौन कौन सबके चेहरे चिन्हित कर लिए गए हैं, सब रडार पे हैं यहाँ पे। मैं फौज में जानता हूँ, आपका सोचते आपकी आवाज़ नहीं जा रही है। लेकिन बिल्किस बानो ने बयान दिया था कि बड़ा सदमा लगा जो 11 दोषी, क्यों नहीं लगेगा? और जो है कानून पे अब उनका भरोसा नहीं। मेरी बहन के साथ होगा, मेरी पत्नी के साथ होगा, ये कोई पूछने वाली बात है? सदमा क्यों लगेगा? नहीं, सवाल ये है, उन्होंने कहा कि जो कानून व्यवस्था है उस पर से भरोसा उठ रहा है, तो उठ रहा है, उठेगा ना, उठेगा। ऐसा जब प्रशासन करेगा, कोर्ट ही एक रपचा है, कोर्ट भी हालांकि खरीद लिए, लेकिन कोर्ट उस बात को देखता है कि जनता में मैसेज क्या जा रहा है। अगर रिहा होता है तो जनता का सुप्रीम कोर्ट से विश्वास उठ जाएगा, फिर जनता न्याय करेगी। जैसे मॉब लिंचिंग होती है ना, मॉब लिंचिंग क्यों होती है, क्यों लोग चोर के हाथ काटते हैं? कि शासन प्रशासन न्याय नहीं करता, और रोज चोरी करता है, रोज छूट जाता है जमानत पे, तो जनता खुद न्याय कर देती है। तो मॉब लिंचिंग होगा, हम खुद जानते हैं, उन 11 को लोग मार देंगे, उनको नहीं मार सकते। अरे वो होता है मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग यही चीज़ होती है, जब न्याय नहीं मिलता है तो जनता खुद न्याय कर देती है। अभी खबर आ रही है कि जो उनका पैतृक गांव है, वहां से उनके चाचा रिश्तेदार और भी जो मुस्लिम हैं जो रह रहे थे, उनके अंदर इतना खौफ हो गया कि वो अब वहां से पलायन कर रहे हैं। खौफ होता है, हम जानते हैं, बिल्किस बानो खुद जो है खौफ होता है, लेकिन लोग बने रहें। और हम चाहते हैं जो स्थानीय इकाई है, जो वहाँ के संगठन है, उसके गाँव में मंच लगाएं, और कम से कम सुबह 10 से 4 बजे तक, और वहाँ पे चर्चाएं चलें, और एक अच्छा मैसेज दें कि अगर कहीं ऐसा होगा तो वहाँ होगा, स्थानीय इकाई काम बनता है। यहाँ के लोग जो बिल्कुल संगठन जुड़े हुए हैं, लोग वहाँ संपर्क करें, कॉल करें, एक निश्चित जाएंगे। उसके गांव में कम से कम 1 हफ्ता तो होना ही चाहिए कि लोगों में भय जो है वो निकल जाए। ये जो मंच होते हैं, ये भय निकालते हैं जनता के, ये जंतर मंतर पर आपके भय निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ लोकतंत्र की खूबसूरती है कि धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम, आवड़ अनशन, ये सब होना ही चाहिए, घेराव, ये सब होना चाहिए। सर, टी राजा पे क्या कहेंगे अब, उनको जेल भेज दिया गया? जी बिल्कुल, ये तो किसी लोया के नहीं हुए, हिरण पांड्या के नहीं हुए, ये तो सत्ता जीवी हैं। सत्ता के लिए किसी को अगर कल योगी जी सत्ता के बीच में, उनको मरवा देंगे, तो सत्ता जीवी हैं, एक मार के बैठते हैं। योगी जी को कौन मरवा देंगे? हम ये कह रहे हैं कि अगर सत्ता के बीच में आ जाएंगे, भाई भाई को सत्ता के बीच में जो आ जाएगा उनको मरवा देंगे, चाहे फिर कोई भी हो। सत्ता का नियम है सत्ता के बीच, ये जो स्पीड से बढ़ रहा है, अगर इस बीच में कोई भी आएगा बीच में तो खत्म कर देंगे। पहले ईडी सीडी है, नहीं अगर सही तरीके से तो खत्म करवा देंगे, पता भी नहीं लगेगा। चलिए, तो हमारे साथ थे फौजी, इनको आपने जो है किसान आंदोलन में भी देखा होगा, काफ़ी उनकी वीडियोस भी वायरल हो रही थी, और जिस बेबाकी से अपनी बात रखते हैं उससे आप समझ सकते हैं जिस तरीके से अभी इन्होंने बात रखी, और इस टाइम बिल्किस बानो के समर्थन में आए हैं, जंतर मंतर पर हर जगह पहुंचते हैं, जहां भी इंसाफ की ज़रूरत होती है, साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है, मजलूम की बात होती है, पीड़ित की बात होती है, वहां पहुंचते हैं। हम इस वक्त आपको दिखा रहे थे जंतर मंतर से, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनित आवाज़, दिल्ली।